हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, एम्स व जिपमर की एग्ज़ाम को लेकर अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। किसी किसी समाचार पत्र में यह लिखा है कि ईयर 2020 से एम्स व जिपमर की एग्ज़ाम नहीं होगी और नीट 2020 से ही एडमिशन होगा, मगर किसी में नीट 21 से लागू होने की बात सामने आ रही है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी ने भी फ्राइडे को ये कहा है कि नीट 2020 से ही एम्स व जिपमर के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस प्रकार की न्यूज़ तो चल रही हैं, मगर ये अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। अगर एम्स व जिपमर की एग्ज़ाम होगी तो इसी महीने के लास्ट में एम्स एग्ज़ाम के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसी महीने के लास्ट तक ही जिपमर भी अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर देगा, तब हमें क्लियर हो जाएगा। अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक इस विषय पर यह कहना मुश्किल है कि अभी आगे क्या होगा। ये इसी महीने के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाता तब तक ये हम नहीं मान सकते कि एम्स व जिपमर की एग्ज़ाम 2020 में नहीं होगी। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजन में न रहते हुए आपको तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चेंजिंग होती है तो हर एक स्टूडेंट के लिए वो कॉमन ही रहेगी। बात वही है, जो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही उसे मेरिट मिलेगी। अभी काफ़ी स्टूडेंट को यह कन्फ्यूज़न है कि क्या एम्स व जिपमर एग्ज़ाम नहीं होगा तो नीट के सिलेबस में चेंजिंग होगा क्या। दोस्तों, नीट 2020 के लिए सिलेबस में चेंजिंग होना मुश्किल है, क्योंकि नीट के पुराने वाले सिलेबस से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और नीट 2020 का सिलेबस NTA द्वारा दिसंबर में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के साथ ही जारी किया जाएगा, तो 5 महीने का टाइम बचता है। उस 5 महीने के टाइम में स्टूडेंट न्यू सिलेबस से तैयारी नहीं कर सकता, तो मैं ये मानता हूँ कि अभी इसी स्टेज पर नीट 2020 का सिलेबस चेंज नहीं हो सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे इस प्रकार मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टडी कंटिन्यू करते रहो, जो भी कुछ चेंजिंग होगा वो सभी के लिए कॉमन ही रहेगा। आपकी मेहनत ही आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाएगी। इस विषय पर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई छूट ना पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।